सरवानिया महाराज के जेएस के पर पदस्थ शिक्षक सुनील कुमार कारपेंटर ने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर एक गीत गाया है। सुनील कारपेंटर यहां जन शिक्षा केंद्र पर बतौर सीएस के पदस्थ है और वो संगीत के शौकीन हैं और गायक कलाकार है। पहले भी इन्होंने स्वच्छता गान और सिंहस्थ गान भी गाया था। इस बार जिला निर्वाचन अधिकारियों के मार्गदर्शन में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और शत प्रतिशत मतदान को लेकर गीत गाया है, जिसकी सराहना हो रही है। गांव गली हो या शहर मोहल्ले, घर घर अलग जगाना है। जागरूक हो हर मतदाता, मत का अधिकार बताना है। ओ, 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 गांव गली हो या शहर मोहल्ले, घर घर अलग जगाना है। जागरूक हो हर मतदाता, मत का अधिकार बताना है। एपिक कार्ड बने सभी के, एपिक कार्ड बने सभी के। कमी न हो पहचान की, पारदर्शी हो चुनाव प्रक्रिया, मतदाता के मतदान। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बिरवाल और आप जुड़ चुके हो वॉइस ऑफ एमपी से। इस वक्त मैं खड़ा हूं सरवानिया महाराज के एकीकृत शाला के उस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन के मतदान केंद्र, जो मतदान केंद्र 202 के नाम से जाना जाता है। यह क्रिटिकल मतदान केंद्र है और शासन ने इस मतदान केंद्र को जो है एक अच्छा मतदान केंद्र के रूप में बनाया है, ताकि लोग स्वतंत्र और निर्भीक रूप से मतदान कर सके। इसके साथ ही अब हम जुड़ेंगे हमारे जनशिक्षा केंद्र पर पदस्थ सुनील जी कारपेंटर से, जिन्होंने मतदान प्रेरणा को लेकर एक मतदान का प्रेरणा गीत गाया है। हम जानेंगे उनसे कि उन्होंने जो है उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे उन्होंने इस गीत को जो है मैनेज किया। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार सर। बताएं, आपने जो मतदान को लेकर प्रेरणा गीत गाया है उसके लिए आपने क्या तैयारी की और कैसा गीत गाया? जी, ये शुरू से मेरा मन में प्लान थी कि इस मतदान से संबंधित हम एक मतदान गीत जो है वो लॉन्च करें, ताकि क्या अधिक से अधिक लोगों को इसको इसके बारे में प्रेरणा मिले, ताकि हमारे जिले में अधिक से अधिक मतदान हो और लोग प्रभावित होकर अधिक से अधिक मतदान करें। पूर्व में भी आपने दो गान और गाए थे, स्वच्छता को लेकर और एक सिंहस्थ 2016 को लेकर, तो उसके भी जो है क्या प्रेरणा मिली थी आपको? उसमें भी सर ये है कि शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, जैसे स्वच्छता से संबंधित लोगों को अधिक जागरूक हो, प्रेरणा उनको मिले, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वो एल्बम बनाए थे। उसके बाद मैंने सिंहस्थ का भी इसीलिए बनाया ताकि क्या अधिक से अधिक लोग इन चीज़ों से जुड़ें और अपने अपने संस्कृति को से भी जुड़ें, अपने कर्तव्यों से को भी ध्यान में रखें, ताकि हमारा जो है वो जो भी कार्यक्रम है वो सफल हो। और यहाँ पर मतदान कार्य में लगा जो दल है उसके कर्मचारी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ तैयारी है मतदान को लेकर और सरवानिया महाराज में कितने मतदान केंद्र हैं। निर्वाचन को लेकर निर्वाचन विभाग विगत काफ़ी लंबे समय से बहुत कुछ तैयारी कर रहा है, जिसके तहत हमने जो है नामावलियों को शुद्ध करने का काम किया है, डोर डोर सर्वे किया है और मतदाता सूची को बिल्कुल परिष्कृत कर दिया है, जिसमें सभी मृतक और शिफ्टेड मतदाताओं के नाम हमने हटा दिए गए हैं। हमारा मैं 202 मतदान केंद्र की ब्यूरो हूँ और मैंने मतदाताओं को मेरी तरफ से अच्छी तरह से अपील की है कि मतदान करें, शत प्रतिशत मतदान करें, ताकि अपना गांव सर्वप्रथम जिले में आए, यही आशा करते हैं। सरवानिया महाराज से दिनेश बिरवाल की रिपोर्ट।